देख रहे हैं CN24। 74वां स्वतंत्रता दिवस चौरी चौरा की ऐतिहासिक नगरी के लिए खास रहा। चार साल पूर्व कुपवाड़ा में शहीद श्याम नारायण की मूर्ति का गोबरौर चौक पर विधायक संगीता यादव द्वारा अनावरण करके शहीद को सम्मान दिया और साथ ही मोतीराम से बोहाबार जाने वाली सड़क और गोबरौर चौराहे का नाम बदलकर शहीद के नाम पर रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा। शहीद श्याम नारायण की मूर्ति का अनावरण होने पर ब्रह्मपुर ब्लॉक के दुआबा क्षेत्र में खुशी की लहर और वहां के लोग खासा उत्साहित हैं। शहीद की मूर्ति स्थापित कराने में नवक्रांति सेना के प्रमुख अम्बरीश यादव का विशेष योगदान रहा है और शहीद के परिजनों ने उनका आभार व्यक्त किया है। मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद अम्बरीश यादव ने कहा कि क्षेत्र के शहीदों को चार वर्षों के बाद स्वतंत्रता दिवस पर उनकी मूर्ति को स्थापित कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। सर्वप्रथम आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी स्थानीय क्षेत्रवासी आज गोबरौर चौराहे पर शहीद श्याम नारायण यादव की मूर्ति की स्थापना हुई है और हम सभी क्षेत्रवासी चौरी चौरा तहसील के SDM श्री अर्पित गुप्ता सर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। विधायक संगीता यादव ने कहा कि चौरी चौरा एक क्रांतिकारी धरती है, असहयोग आंदोलन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसने चौरी चौरा की पृष्ठभूमि को बदल दी। चौरी चौरा के लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम लोगों ने शहीद स्मारक में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए जन आंदोलनकारियों के परिजनों के साथ मिलकर झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस को मनाया है। चौरी चौरा एक क्रांतिकारी धरती है और सहयोग आंदोलन में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसने उस आंदोलन की पृष्ठभूमि ही बदल दी है। तो चौरी चौरा के लिए आज का दिन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम लोगों ने भी अपने उस वीरों को याद किया। हमारे साथ SDM साहब थे वहाँ, मुंडेरा बाजार की चेयरमैन सुनीता गुप्ता थी और उस स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग भी भाग लिए थे उनके कुछ परिजन थे, सब लोगों ने साथ में मिलकर लाया। और चूँकि कोरोना टाइम था तो आज एक मैंने वहाँ अपील भी किया कि सरकार का सहयोग करें, तो घर में रहें। और आज एक अति महत्वपूर्ण और काम हुआ है कि शहीद हुए थे हमारे यहाँ श्याम नारायण यादव जी, उनकी मूर्ति का भी अनावरण किया गया है। तो आज अति महत्वपूर्ण दिन है और मैं सभी को, अब समझ जनता को, अपनी तरफ से जनता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगी।